नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ, एक नई सोच के साथ। दोस्तों, शिक्षा विभाग की बड़ी खबर, 32 शिक्षकों को मिले 0 अंक, कार्रवाई के निर्देश, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। तो दोस्तों, ब्रिज कोर्स के प्रथम प्रशिक्षण शिविर में जिले से शामिल हुए लगभग 77 शिक्षकों में से एक ने भी ऑनलाइन टेस्ट में सफल नहीं हो पाया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने विषय में टेस्ट के लिए 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया था, लेकिन जिले के अधिकांश शिक्षक 15 अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि 77 में से 32 शिक्षक न्यूज अंक पर सिमट गए। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों के ज्ञान का स्तर क्या है। शासन ने हर जिला शिक्षा अधिकारी को ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण में उदासीनता बरतने वाले इन शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इससे सनसनी फैल गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पढ़ाई का स्तर जांचने के लिए ब्रिज कोर्स के तहत अपने संबंधित विषयों में दूसरे प्रशिक्षण में हर जिले में शामिल करने के शिक्षकों को निर्देश दिए थे। ब्रिज कोर्स का प्रभावी ढंग से संचालन करने हेतु भी शिक्षकों समय समय पर चेताया भी। शिक्षक हैंडबुक के आधार पर विषयवार ऑनलाइन टेस्ट पिछले दिनों लिए गए। इस टेस्ट में 70% अंक लाना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अनिवार्य किया गया था। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इससे कम प्रतिशत अंक लाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। इसके बावजूद जिले के 77 शिक्षकों ने शासन के निर्देशों की परवाह किए बिना काफ़ी हल्के में लिया और टेस्ट के परिणाम आए तो बड़े चौंकाने वाली बात सामने आई। यह बैतूल जिले के शिक्षा विभाग के लिए किसी कलंक से कम नहीं कहा जा सकता। 77 में से कुछ ही शिक्षक ले पाए 13 अंक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षण में शामिल हुए शिक्षकों का लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा परिणाम जारी किए गए तो बैतूल जिले के चयनित 77 शिक्षकों में से सर्वाधिक 13 अंक ही कुछ शिक्षक बमुश्किल ले पाए हैं। अधिकांश दहाई के अंक तक नहीं पहुँचे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 32 शिक्षकों के परिणाम ऐसे हैं जिन्हें प्रशिक्षण में 0 अंक मिले हैं। यह जिले के लिए शर्मनाक आंकड़े कहे जा सकते हैं। हालांकि यह स्थिति केवल बैतूल में ही नहीं अपितु प्रदेश के सभी 52 जिलों में सामने आई है। सभी कारण बताओ नोटिस। प्रथम प्रशिक्षण शिविर में शिविर शिक्षण आयुक्त ने इसी तरह शिक्षकों के फिसड्डी होने के बाद दूसरे प्रशिक्षण में स्थिति सुधारने के नोटिस दिए थे, जबकि शिक्षकों ने कोई सुधार नहीं किया। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री क्यावत ने सोमवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। साथ ही कहा है कि कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण क्यों ना इनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी जाए। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि जुलाई माह में एक और अंतिम प्रशिक्षण वाले टेस्ट में 70% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी शिक्षकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।